Hello, good morning students. BCAM India is here. You are welcomed in orientation. Students, today we are going to continue our last lesson. Means, in last video, I taught you change of voice, grammar. Already I have told you, grammar is never a matter to cram. It is never a matter to parrot. It is not a matter to read. It is a matter to learn. So today, finally, we are going to start our structures, how to change sentences from active to passive. And yesterday, in last video, I have told you how to get the proper sentences directly in passive from our day-to-day uses. But here, to our exam point of view, we have to discuss how to change sentences, because in exams interchange of sentences are asked. So we have to learn interchange. अपने दैनिक जीवन के सेंटेंसेस को डायरेक्टली पैसिव में कैसे बोलते हैं, एक्टिव में कैसे बोलते हैं, और उसकी क्या उपयोगिता है, वॉयस क्या है और वॉयस की जरूरत क्यों है, ये सारी चीजें हमने वीडियो फर्स्ट में पार्ट वन में बना दिया है और आप शायद देख भी लिए हैं. और अब ये पार्ट टू है हमारे वॉयस चेंज का, और इसकी कुछ खास बातें आपको सेंटेंस शुरू करने से पहले, एग्जाम्पल शुरू करने से पहले, आई शुड गिव यू सम पर्टिकुलर थिंग्स एंड सम स्पेशल थिंग्स व्हिच यू मस्ट नो. वेरी फर्स्ट जनरल रूल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू हाउ टू चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. फोर जनरल रूल्स आर देयर एंड फोर जनरल रूल्स इन पार्ट वन आई हैव ऑलरेडी गिवन. स्टिल ब्रीफ रिवीजन आई वॉन्ट टू गिव यू. वेरी फर्स्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ये पहला जनरल रूल है. दूसरा जनरल रूल है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्जेंटली विदाउट मिसिंग. अगर आप वहां थर्ड फॉर्म की जगह कोई दूसरा फॉर्म आप यूज करेंगे मेन वर्ब का, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. सो इन पैसिव वॉइस आफ्टर हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब वी हैव टू यूज, एंड देन आफ्टर V3 यूज करने के बाद, वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद, आपको बाय प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपको जो भी कंप्लीमेंट्स लिखने हैं वो लिखने हैं. और चौथा और अंतिम, फोर्थ एंड लास्ट जनरल रूल, एंड दैट इज वेरी मच क्रूशियल, एक्टिव सेंटेंसेस सेम टू पैसिव. ये हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसको मुझे एक्सप्लेन करना होगा आपको. एक्टिव में जैसे सेंटेंसेस होते हैं, पैसिव में भी सेम होते हैं. मतलब अगर एक्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो पैसिव में भी अफर्मेटिव होगा, असर्टिव होगा. अगर एक्टिव में नेगेटिव है तो पैसिव में भी नेगेटिव होगा, और अगर एक्टिव में इंटरोगेटिव है तो पैसिव में भी इंटरोगेटिव होगा. इस बात का आप ध्यान हमेशा रखेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक इज टॉट अंडर द टॉपिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मींस सेंटेंस का फॉर्म बदलना है आपको, न कि सेंटेंस की मीनिंग बदलनी है. सेंटेंस का सेंस वही रहना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाना चाहिए, सिर्फ फॉर्म बदल जाना चाहिए. सो चौथा जनरल रूल आप याद रखेंगे कि आपको एक्टिव के जो सेंटेंसेस हैं सेम आपको पैसिव में रखने हैं. इसके बाद, जनरल रूल के बाद, आज के टॉपिक पर मैं आता हूं. दिस इज द टॉपिक टू स्टार्ट टुडे, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट. वेरी फर्स्ट, बिफोर कमिंग टू द एग्जांपल्स एंड इंटरचेंज, आई हैव टू गिव यू अबाउट सम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट मेन वर्ड. मेन वर्ड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को आधार मानते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर हम बेस मानते हैं, तो उस आधार पर मेन वर्ब दो तरह की होती है. देर आर टू काइंड ऑफ मेन वर्ब्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. इफ ऑब्जेक्ट इज बेस,
Main verbs are of two kinds. The first one is known as transitive and the second one is intransitive. Transitive verbs are with object. Transitive verbs वो होते हैं जिनके साथ object का इस्तेमाल होता है और intransitive वो होते हैं जिनके साथ object का इस्तेमाल नहीं होता, without object. Main verbs in a sentence without object may be called, जिनके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो दे आर नोन एज इंट्रांसिटिव, और जिनके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है दे आर नोन एज ट्रांसिटिव. एक बात नोट के रूप में हमने यहां लिखा है, नोट के रूप में मैं आपको समझाना भी चाह रहा हूं कि ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स, केवल ट्रांसिटिव वर्ब्स को ही कैन बी यूज इन एक्टिव एंड पैसिव बोथ. हमारे पास जितने एक्शंस हैं, हमारी जितनी एक्टिविटीज हैं, हमारे जितने क्रियाकलाप हैं, उसमें से सिर्फ उन क्रियाओं का इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस में कर सकते हैं जो ट्रांजिटिव हैं, अर्थात उनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है. अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग उनके साथ नहीं हो सकता तो वी कैनॉट चेंज देम इन पैसिव वॉइस, इज इट. अब एक समस्या आ गई, देयर्स अ बिग नंबर ऑफ मेन वर्ब्स and how can we remember that which one is transitive and which one is intransitive. जैसे हमने दो दो examples यहां लिखे हैं, play और make transitive है, क्यों transitive है कैसे पहचानेंगे हम, और go and sleep intransitive है. तो इसका इसको पहचानने का एक बहुत छोटा सा तरीका मैं आपको बता दूं, कोई भी verb लीजिए. I have taken here six verbs I have taken and now we will check five verbs we have taken here and now we have to check whether they are transitive or intransitive. बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान फॉर्मूला है. कोई भी मेन वर्ब अगर आपके पास हो उससे सिर्फ दो सवाल करिए, एक है what and दूसरा है whom. What और whom, क्या और किसे. For example, अगर call means बुलाना, तो बुलाना से हम क्या पूछेंगे और किसे पूछेंगे. एक सेंटेंस बना लेते हैं, वह बुलाता है. बुलाना से एक सेंटेंस हमने बना लिया, वह बुलाता है. वह क्या बुलाता है, जवाब नहीं मिलेगा. और हुम का मतलब होता है किसे, वह किसे बुलाता है, जवाब मिल जाएगा. पापा को बुलाता है, भाई को बुलाता है, फ्रेंड को बुलाता है, पुलिस को बुलाता है, जवाब मिल जाएगा. तो अगर इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का भी उत्तर है, अगर किसी एक क्वेश्चन का भी उत्तर मिल जाता है, आंसर अगर मिल जाता है आपके वर्ब से, तो देन यू शुड नो दैट इज ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव है. और उससे अगर क्या और किसे पूछने पर दोनों में से किसी का उत्तर नहीं मिलता तो देन यू शुड बी कंफर्म दैट नो इट इज इंट्रांजिटिव. जैसे प्ले, वो खेलता है, वो क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है. स्लीप, वह सोता है, वह क्या सोता है, जवाब नहीं मिलेगा. वह किसे सोता है, जवाब नहीं मिलेगा. सो दिस इज इंट्रांजिटिव. स्लीप इज इंट्रांजिटिव, क्यों, क्योंकि व्हाट और हुम का जवाब ये नहीं देता. ये ग्रामर नहीं है, ये पहचानने का तरीका है जो मैं आपको दे रहा हूं. एंड आई वॉन्ट टू गिव यू अ वेरी पर्टिकुलर फॉर्मूला टू पिक आउट ट्रांजिटिव वर्ब्स from the heap of verbs, from the large number of verbs. So sleep, क्या सोता है, किसे सोता है, जवाब नहीं मिलेगा, तो वो होगा intransitive. That will be intransitive. और teach, पढ़ाना, teach, teach means पढ़ाना. वो क्या पढ़ाता है, वो English पढ़ाता है, वो maths पढ़ाता है, जवाब मिल जाएगा. तो जवाब मिल जाएगा तो ये transitive होगा. वह सोता है, weep means सोना, sorry, weep means रोना, वह रोता है. वह क्या रोता है, he is weeping, वह रोता है, वह रो रहा है, वह रोता है. वह क्या रोता है, जवाब नहीं मिलेगा. वह किसे रोता है, जवाब नहीं मिलेगा. And when these both answers we are not getting from any verb, that one is known as intransitive. So weep is also intransitive. और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि intransitive verbs को केवल active voice में बोला जा सकता है सामान्य परिस्थितियों में. कुछ असामान्य परिस्थितियां हैं
जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सामान्य परिस्थितियों में इन जनरल कंडीशंस इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन ओनली बी स्पोकन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन एक्टिव वॉइस इन एक्टिव वॉइस इन एक्टिव वॉइस नॉट इन पैसिव वॉइस बट ट्रांजिटिव वर्ब्स आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब्स आंसरिंग व्हाट और हुम ईदर ऑफ देम और बोथ ऑफ देम दोनों में से किसी एक का उत्तर मिल जाए या दोनों का उत्तर मिल जाए सो दैट टाइम ओनली एंड ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी यूटिलाइज कैन बी यूज कैन बी रिटेन कैन बी स्पोकन इन एक्टिव एंड पैसिव बोथ नाउ वी आर कमिंग टू द एग्जांपल्स थ्रू एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस ऑल फोर जनरल रूल्स And we will follow this one also. Suppose I am giving you a sentence. I am going to London tomorrow. Change this sentence into passive. तो आप बोलेंगे London is gone by me tomorrow. बहुत बार ऐसा होता है. Teachers आपको confuse करने के लिए आपको exams में इस तरह के questions दे देते हैं और आप उसे बदल भी देते हैं आप उसे ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं बट माई डियर स्टूडेंट्स माई लविंग स्टूडेंट्स यू शुड केयर बिफोर गोइंग टू चेंज योर सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव यू विल रिमेंबर यू विल चेक वेदर योर मेन वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इफ दैट वन इज इंट्रांजिटिव यू विल नॉट गो टू चेंज जस्ट अगेंस्ट इट यू विल राइट नो चेंज Because main verb is intransitive. Is it? अब आइए examples पे हम आते हैं. Through examples we will learn transforming sentences, changing sentences from active to passive. This is the first example. This is the first example. And these sentences are based on tenses. Tense पर based ये sentences हैं. और टेंस के ये 12 सेंटेंस तीन इंडेफिनिट तीन कॉन्टिन्यूअस तीन परफेक्ट एंड तीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस हमने यहां लिए हैं शी टीचेस हर स्टूडेंट्स शी टॉट हर स्टूडेंट्स शी विल टीच हर स्टूडेंट्स दीज थ्री इंडेफिनिट्स आर देयर फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट इज इट क्लियर Second sentence I have taken that he is teaching, she is teaching, she was teaching and she will be teaching. This is continuous and she has taught, she had taught and she will have taught. Ye perfect hai and she has been teaching, she had been teaching and she will have been teaching. This is perfect continuous. These 12 sentences I have taken, they all are based on tenses or most prominently I want to show you that I have taken verb teach and here I have told you teach is transitive kyunki teach dono ka answer deta hai sorry teach transitive hai kyunki what or whom mein se uska uttar milta hai uska answer milta hai to ise hum passive mein badal sakte hain अब ये 12 सेंटेंसेस की स्थिति कैसे हम चेंज करते हैं पैसिव में नाउ यू शुड सी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंस शी टीचेस हर स्टूडेंट क्या है ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां सब्जेक्ट बना दिया जस्ट यू सी दिस इज ऑब्जेक्ट हियर एंड शी इज सब्जेक्ट हियर तो इस सब्जेक्ट को हमें यहां ऑब्जेक्ट बना देना है और इस ऑब्जेक्ट को हमें यहां सब्जेक्ट बना देना है तो हर स्टूडेंट को हमने यहां ऑब्जेक्ट बना दिया एंड नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां जब सब्जेक्ट बना दिया तो हमारा सब्जेक्ट अब क्या हो गया हर स्टूडेंट्स और हर स्टूडेंट्स के अनुसार हमने यहां हेल्पिंग वर्ब यूज किया आर हर स्टूडेंट्स आर और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है आई एम एट द सेकेंड रूल हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है टीच का टॉट हमने यूज किया और उसके बाद बाय हर लिख देना है दिस इज फर्स्ट स्टेप
This is second step and this is the third step. Fourth step. This fourth step I'm going to discuss here. Active voice में sentence affirmative है तो passive में भी affirmative होगा. और अगर यहां रहता कि she does not teach her students, she does not teach her students, अगर ये रहता तो यहां होता her students are not taught by her. अगर active में वो interrogative रहता तो passive में भी interrogative, एक्टिव में वो नेगेटिव रहता तो पैसिव में भी नेगेटिव होता. यही चीज आपको फोर्थ स्टेप में समझना है. फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है. सेकंड स्टेप अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है. उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है. ऑब्जेक्ट आपका पहले सेंटेंस का एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो भी आपको इस्तेमाल करना है वो करना है. इन द सेम मैनर अगर ये पास्ट का और जब ये पास्ट शी टॉट हुआ तो यहां हो जाएगा स्टूडेंट्स वर टॉट, स्टूडेंट्स वर टॉट. यहां विल टीच होगा अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट शी टीचेस हर स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स आर टॉट. शी टॉट हर स्टूडेंट्स वर टॉट. शी विल टीच हर स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट. शी विल टीच हर स्टूडेंट्स तो हम बोलेंगे हर स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाय हर. हम बोलेंगे शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स, शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स. दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो आप बोलेंगे हर स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, बीइंग टॉट. जब हम कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आता है तो उसमें हम इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का इस्तेमाल करते हैं. बीइंग, बी ई आई एन जी, being. So her students are being taught, her students are being taught, her students are being taught. और past होता she was teaching her students तो हम बोलेंगे her students were taught, were being taught, were being taught. Continuous में being लग जाता है. एक चीज आपको ध्यान रखना होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हमने रेड से ब्रैकेट किया है. आगे लिखा है नो पैसिव. इफ योर सेंटेंस इज फ्रॉम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यू विल बी क्वाइट श्योर दैट यू हैव नॉट टू चेंज योर सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. उसका एक्टिव टू पैसिव नहीं होता फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का. इसके बाद परफेक्ट में हम आते हैं शी हैज टॉट हर स्टूडेंट्स, शी हैज टॉट हर स्टूडेंट्स. तो हर स्टूडेंट्स हैव बीन वी हैव टू राइट हियर हैव बीन हर स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय हर, हर स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय हर. इज इट पास्ट परफेक्ट होगा तो शी हैड टॉट हर स्टूडेंट्स और वहां होगा हर स्टूडेंट्स हैड बीन टॉट बाय हर. और अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो हम बोलेंगे शी विल हैव टॉट हर स्टूडेंट्स. पैसिव में बोलेंगे हर स्टूडेंट्स विल हैव बीन टॉट. अर्थात परफेक्ट में बीन लग जाता है, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लग जाता है एंड इंडेफिनिट में इज आर एम वॉज वर विल बी और शैल भी लगता है. उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. एक लास्ट में हमने सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, ऑल द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, ऑल द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस आर नेवर सपोज टू बी चेंज इंटू पैसिव. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं. देयर्स नो चेंज आपको लिखना होगा और कॉज आपको लास्ट में जोड़ देना होगा. इस सेंटेंस चूंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है इसलिए इस सेंटेंस को हम पैसिव में नहीं बदल सकते. देयर्स नो चेंज. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन टेंसेज. Present indefinite, past indefinite and future indefinite. She teaches, she taught, she will be taught. Her students are taught, were taught and will be taught. ये indefinite हो गया. She is teaching her students, her teaching,
our students are being taught, are being taught, are being, B-E-I-N-G, being, being taught, were being taught, will be being taught, nahi, no change, future continuous, no change. And then perfect mein, she has taught her students, she had taught her students, she will have taught her students. तो यहां बोलेंगे her students have been taught, had been taught and will have been taught. और perfect continuous का कोई भी sentence change नहीं होता. किसमें? Passive voice. So these are the examples based on tenses and other sentences based on models and some special characters and some special structures. I will teach you, I will make you learn in next video. So, अभी तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी. इस वीडियो में हमने जनरल रूल को रिवाइज किया, इस वीडियो में हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कंसेप्ट बताया, हमने ये बताया कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब को ही हम पैसिव में लिख सकते हैं. इसके बाद हमने टेंस पर आधारित 12 सेंटेंस का, ऑल 12 सेंटेंसेस I told you detail that which sentences, what type or how can we change our sentences from active to passive. So, present ke, indefinite ke, tino sentence change hote. Continuous mein, sirf do, present continuous and past continuous, future continuous change nahi hota. Perfect ke, tino sentences change hote hain and perfect continuous ka ek bhi sentence change nahi hota. Aur is information ke saath, I would like to wish you all the best, and I think this video you will like most and it will be helpful to understand voice. And now the third and last video based on tense I will give you tomorrow. So wishing you all the best.